मैं हूं अशफाक अहमद पटेल और आप देख रहे हैं IIN न्यूज़। जननायक फाउंडेशन ने आज जामनेर में अपनी नई ब्रांच का इफ्तिताह किया। प्रोग्राम की सदारत जामनेर की सदर बल्दिया साधना महाजन ने की और तहसीलदार जनाब नामदेव टिड़ेकर और दीगर हजरात इस मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर जननायक फाउंडेशन ने न्यू रेड क्रॉस सोसाइटी की मार्फत ब्लड डोनेशन कैंप और फ्री हार्ट चेकअप का भी इनेकाद किया। नौजवानों ने काफ़ी जोश और खरोश के साथ इस ब्लड डोनेशन कैंप में हिस्सा लिया। वही तो अल्लाह है। इसलिए तिलावत काम पे कलाम पाक के लिए मैं आवाज़ें हुआ गोहर कर दे, मेरी नजरों को मोतबर कर दे, जिससे भूखे सुकून की ठंडक ऐ खुदा मुझको वो शजर कर दे। वसीम शेख और जननायक फाउंडेशन। ना जाने किस गली से आए गए आप। मैं एहसान सिंह को आवाज़ देता हूँ कि वो उसका इस्तेमाल करें। इसके बाद मैं आवाज़ देता हूँ वसीम शेख को कि वो आए उसका इस्तेमाल करें। जितने भी मेहमान और हमारे गांव की मानी हुई शख्सियात जो हमारे एक दावत में यहाँ पहुँचे हैं, मैं उन सभी का लफ्जी तौर से यहाँ पर इस्तकबाल करता हूँ। उनको सुस्वागतम कहता हूँ, वेलकम कहता हूँ। ताई हमारे दरमियान महिला अधिकारी नामदेव टिड़ेकर साहब यहाँ पर आ चुके हैं। मैं साहब का इस्तकबाल करता हूँ, उनको सुस्वागतम कहता हूँ, वेलकम कहता हूँ और मोहतरम अशफाक पटेल साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो साहब का इस्तकबाल करें। Thank you.
सर ले लेता हूँ, सब आ जाएंगे इसको, आप चेहरे आएंगे जिस समय मैं फरीद खान, जननायक फाउंडेशन जलगांव, मुख्य शाखा सेक्रेटरी, संस्थापक सेक्रेटरी जननायक फाउंडेशन जामनेर में आज यहाँ पर शाखा स्थापना दिवस है और ये शाखा स्थापना दिवस के निमित्त पे जननायक फाउंडेशन जामनेर की जानिब से यहाँ पे हार्ट चेकअप और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और बहुत छोटे पैमाने पर हम लोगों ने यहाँ पर शुरू किया था, लेकिन आज उसका मालूम होता है कि कुछ ही महीनों में अल्लाह के ज़रिए से इतना बड़ा उसका रिज़ल्ट आ रहा है और पब्लिक में खून देने, जो ब्लड देने के लिए इतना सारा उत्साह है कि हर कोई आ रहा है और ब्लड देने के लिए अपने आप से खोल रहा है। किसी को ऐसा रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ रही है कि भाई आके ब्लड दो, हर कोई आके एक अपना फ़र्ज समझ कर ब्लड दे रहा है और ये समझ कर ब्लड दे रहा है कि भाई ये ब्लड आज हम दे रहे हैं लेकिन ये आने वाले पल में हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे शहर के लिए, किसी के लिए, इंसान के लिए काम आने वाला है। और हमको ये देख के बहुत खुशी हुई कि पूरे ज़िले में हम लोग अपनी शाखा स्थापना कर रहे हैं और लेकिन जामनेर में जो आज हमको इतना बड़ा पहली बार में इतना रिस्पांस आया ब्लड देने के लिए, ये देख के इतनी खुशी हुई। और यहाँ के जो जिम्मेदार है जैसे कि शफी पहलवान साहब, जमील भाई, वसीम भाई, इनके माध्यम से यहाँ पे लोग बहुत सारे जुड़े हुए हैं और सभी लोग यहाँ पे सीनियरिटी है और अच्छा काम कर रहे हैं और यही हमको इनसे उम्मीद है कि आगे भी इस तरह का काम चलते रहे। दोस्तों वालेकुम, मेरा नाम वसीम अहमद है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हो रही है आज और 15 अगस्त स्वतंत्रता के मौके पर हमने जामनेर शहर में जननायक फाउंडेशन की शाखा स्थापना की है और जामनेर शहर का जमजम हॉस्पिटल यहां पर रक्तदान शिविर और हार्ट चेकअप कैंप रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें पब्लिक की तरफ से और रहबर जिम्मेदारों की तरफ से और जामनेर के नौजवानों की तरफ से बहुत बड़ा रिस्पॉन्स मिला है और अल्लाह की वालेकुम। मैं फिरोज पिंजारी, जननायक फाउंडेशन संस्थापक अध्यक्ष हूँ। हमने जामनेर शहर में जब से शाखा की स्थापना की तो हमको यहाँ पे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत ही अच्छी यहाँ पे लोगों की सेवा करने के लिए हमको मौका मिला। यहाँ पे जब से आज हमने इसका ओपनिंग किया शाखा का, लेकिन इसके पहले तीन साल से यहाँ पे काम चल रहा है, लेकिन यहाँ पे शाखा की स्थापना करने के बाद में एक मेडिकल कैंप लिया गया जिसमें हार्ट के चेकअप और ब्लड डोनेशन कैंप हमने रखा है और बहुत ही जल्द यहाँ पे रुग्ण सेवा के लिए एक एम्बुलेंस का इंतज़ाम किया जाएगा जननायक फाउंडेशन के माध्यम से और जो रुग्ण सेवा के लिए लगने वाली चीज़ें है, स्ट्रेचर, बेड, गादी, पानी की शव पेटी, ये चीज़ों का इंतज़ाम भी बहुत जल्द यहाँ पे किया जाएगा। यहाँ पे लोगों की सुविधाओं के लिए ये फ्री में इंतज़ाम यहाँ पे किया जाएगा हम लोगों का। लगभग एक साल के अंदर हम सारी चीज़ें यहाँ पे लाने की कोशिश करेंगे।